हेलो एवरीवन, आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे बेहतरीन शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फार्मा सेक्टर से जुड़ा है और जिसके जिसके हाल फिलहाल में नतीजे भी आए हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया नतीजे आए हैं और डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरबिंदो फार्मा के बारे में। देखिए 763 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है, आज भी 2 रुपये का अपर सर्किट लगाया है इसमें। तो अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फार्मा सेक्टर के किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो अरविंदो फार्मा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर साबित हो सकता है। क्यों, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अरविंदो फार्मा की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में इस शेयर में आप देखेंगे कि 0.38% की गिरावट है। अप्स एंड डाउन्स इसमें लगी रही है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी 0.84% की गिरावट है। देखिए अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है। 744 का लो है और 798 का हाई बना है। जब भी तेजी आई है, हल्की गिरावट भी आई है, गिरावट के बाद अगेन इसने बाउंस बैक भी किया है। पिछले एक साल की मैं बात करूँ तो 29% का ग्रोथ है। 532 रुपये का लो बना है और 823 रुपये का इसमें हाई भी बना है। पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूँ इसके शेयर्स में तो 18% से 19% का ग्रोथ है। देखिए 513 रुपये का लो बना है और तकरीबन 870 रुपये का हाई बना है। अब चार्ट देखिए, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, हल्की सी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर बढ़िया तेजी, फिर गिरावट। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो अरविंदो फार्मा में पिछले 10 साल में 5,323% का रिटर्न दिया है इसने। 14 रुपये का लो बना है, 14 रुपये का शेयर आज 10 साल बाद 700 रुपये का बन चुका है। 750 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो लार्ज कैप स्टॉक है, 44,700 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और एनएससी में देखेंगे तकरीबन 20 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। जो नतीजे इसके आए हैं दिसंबर के वो काफी बढ़िया है। अगर नेट सेल की बात की जाए तो दिसंबर 2017 में जो नेट सेल 4,268 करोड़ का था वो सितंबर 2018 में इंक्रीज होके 4,667 करोड़ के आसपास का रहा और दिसंबर 2018 में अगेन इंक्रीज होके 5,175 करोड़। मतलब 10% का ग्रोथ है और आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 10% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट दिसंबर 2017 में 595 करोड़ का था सितंबर 2018 में इंक्रीज होकर 611 करोड़, और दिसंबर 2018 में देखिए बहुत ही बढ़िया जंप लगाया 712 करोड़ का। 16.48% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हल्की सी दिक्कत बनी हुई है वो है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर दर क्वार्टर गिर रहा है इसका। दिसंबर की बात की जाए, दिसंबर 2017 की बात की जाए तो जो प्रॉफिट मार्जिन 23.65 था वो सितंबर 2018 में डिक्रीज होकर 20.76 रहा और दिसंबर 2018 में 20.62, मतलब 0.48% की पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है। अब बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स के पास 48.80% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 20.07% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 14.30% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.25% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 13.62% की होल्डिंग है। अब देखिए प्रमोटर्स की जो 48.80% की होल्डिंग है उसमें से 2.42% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है प्रमोटर के द्वारा। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड की तो 45 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है। एफआईएस की बात करें तो 575 के आसपास एफआईएस ने इसमें अपना पैसा लगाया है। और डिविडेंड की बात करें तो 125% का डिविडेंड यहाँ पर ये दे रहा है। और अरबिंदो फार्मा में अगर मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल में जाऊँगा तो एज अ मनी कंट्रोल यूजर, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 88% बाइंग रिकमेंडेशन है, 9% सेल है, 3% होल्ड करने के लिए है। देखिए पीई काफी बढ़िया पीई पे ट्रेड कर रहा है, 19.38 का पीई है जबकि इंडस्ट्री पीई है 30.11, बुक वैल्यू 199 की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.83 है, ईपीएस 39.39 का देखने को मिल रहा है, डिलीवरीज थोड़ी कम है, 11.16% की डिलीवरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मैं इसकी बैलेंस शीट को देखूंगा
तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट इनके ऊपर कर्जा तो है 3,650 करोड़ के आसपास का कर्जा है, लेकिन इनके पास टोटल असेट्स भी देखिए 13,600 करोड़ के आसपास के टोटल असेट्स भी हैं इनके पास। और अगर मैं इसमें म्यूचुअल फंड होल्डिंग निकालने जाऊं तो देखिए काफी भारी क्वांटिटीज में म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, तो बहुत ही बड़े नंबर से म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फार्मा सेक्टर के किसी शेयर स्टॉक्स कोई बढ़िया स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो मेरे तो सन फार्मा से भी बढ़िया ऑप्शंस आपके लिए अरबिंदो फार्मा साबित हो सकता है। आपका पैसा भी सेफ है और बढ़िया नतीजे भी इसके आए हुए हैं और काफी बढ़िया एट्रेक्टिव पीई पे भी ट्रेड कर रहा है। कंपनी की तरफ से शेयर उतनी ज्यादा गिरवी भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो अरबिंदो फार्मा आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है। लेकिन कैसे, तो ये भी है कि देखिए अगर मैं पिछले इसका 3 साल का डेटा निकालूं, देखिए 3 साल का आप चार्ट यहाँ पे देखिए, तेजी के बाद गिरावट, तेजी गिरावट। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जब जब बड़ी गिरावट आती है तब आप इसमें शेयर खरीद लीजिए और तेजी आए तब बेच दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका शेयर आपको ऊपर ही ऊपर उठता नहीं मिलेगा, आपको इसका चार्ट इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि गिरावट पे खरीदारी कीजिए और तेजी पर प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए, ये इसमें एक बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है। और हाल फिलहाल अभी अरबिंदो फार्मा में डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन कहूंगा कि छोटी क्वांटिटी का शेयर खरीदिए ताकि अगर फर्दर गिरावट आ भी जाए तो आप थोड़ी और क्वांटिटीज इसमें उठा सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।